बदबू और चीख पुकार से भरे एक अस्पताल में वो एक कमरे से दूसरे कमरे जाती। हर एक मरीज को देखकर उनका दिल भर उठता। रात में भी वो अपने हाथों में लैंप लेकर बिस्तर पर लेटे हर मरीज की जरूरतों का ध्यान देती, साक्षात देवदूत की तरह। वो कोई और नहीं, 203 साल पहले पैदा हुई फ्लोरेंस नाइटेंगल थी। आखिर क्यों उनके नाम की शपथ आज हर नर्स को लेनी पड़ती है? आपको हैरानी होगी कि एक प्रभावशाली फैमिली से ताल्लुक रखने वाली फ्लोरेंस के हाथ बेहद कमजोर थे, लेकिन उन्हीं कमजोर हाथों से उन्होंने मरीजों की इतनी सेवा की कि खुद बीमार हो गए। पूरे 7 साल वो बिस्तर पर पड़ी रही। पूरी उम्र शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मरीजों की सेवा के काम में कोई बाधा ना है। नमस्ते, मैं अंशुल हूं, आप हैं मंच पर। इंग्लैंड के एक समृद्ध और रसूखदार फैमिली के विलियम्स और फ्रांसिस नाइटेंगल के घर 12 मई साल 1820 को एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम फ्लोरेंस नाइटेंगल रखा गया। बचपन में उनका शरीर बेहद कमजोर था, खासकर दोनों हाथ। इस वजह से 11 साल की उम्र तक वो लिख तक नहीं पाती थी। साल 1838 वो फैमिली के साथ यूरोप घूमने गई, जहां उनकी मुलाकात मैरी क्लार्क से हुई। मैरी क्लार्क ब्रिटिश फैमिली से ताल्लुक रखने वाले किसी भी सदस्य को पसंद नहीं करती थी, लेकिन फ्लोरेंस, जो मैरी क्लार्क से 27 साल छोटी थी, उनकी मैरी क्लार्क से खूब जमी। फ्लोरेंस पर भी क्लार्क के विचारों का प्रभाव पड़ा, खासकर ये कि महिलाएं भी पुरुषों के बराबर हो सकती। साल 1840 में इंग्लैंड में भयंकर अकाल पड़ा। ये देखकर फ्लोरेंस बेचैन हो गई। उनके फैमिली डॉक्टर फाउलर से उन्होंने कहा कि मैं नर्स बनकर लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी ये बात सुनकर घर वालों में खलबली मच गई। उन दिनों अच्छे घर की लड़कियां नर्स बनने के बारे में सोचती तक नहीं थी। मशहूर राइटर मार्क ब्रोटिस ने फ्लोरेंस नाइटेंगल की बायोग्राफी द मेकिंग ऑफ एन आइकन लिखी। वे लिखते हैं कि उस दौर में राजनैतिक और सामाजिक रूप से प्रभावशाली लोगों के समाज में परवरिश पाती हुई फ्लोरेंस नाइटेंगल के मन में असहाय और बीमार लोगों के लिए सेवा की भावना जागना एक अचंभे से कम नहीं लगता। घर वालों ने विरोध किया, लेकिन फ्लोरेंस ने अपना इरादा नहीं बदला। पूरे 4 साल तक दुनिया के हर अस्पताल के बारे में जानकारी की, रात रात भर उनके बारे में पढ़ा। इस तरह से मेहनत को देख कर उनके माता पिता को झुकना पड़ा और साल 1844 में उन्हें नर्सिंग के कोर्स में दाखिला दिलवा दिया। उनकी जिंदगी ने सबसे बड़ी करवट तब ली जब एक जंग छिड़ी। बाद 1854 की है। ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की ने रूस के खिलाफ जंग छेड़ दी। जंग में घायलों के इलाज के लिए कोई सुविधा तक नहीं थी। ब्रिटिश सेना के अस्पतालों में गंदगी थी, घाव पर बांधने के लिए पट्टियां तक नहीं थी। फ्लोरेंस अपनी टीम के साथ युद्ध स्थल पहुंची, सूझबूझ और लगन के साथ घायल सैनिकों की सेवा की। रात में भी लैंप के सहारे फ्लोरेंस घायलों को एक बार जरूर देखने जाती। वो मरीजों के लिए खाना भी खुद बनाती। यहीं से उनको लेडी विद द लैंप के रूप में जाना गया। जंग तो खत्म हो गई, लेकिन वो अस्पतालों की दशा सुधारने में लगी रही। फ्लोरेंस के इस काम की सराहना तब रानी विक्टोरिया और प्रिंस अल्बर्ट ने भी की थी। साल 1859 में सेंट थॉमस अस्पताल में नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज शुरू किया। इसी साल फ्लोरेंस ने नोट्स ऑन नर्सिंग किताब लिखी। ये नर्सिंग कोर्स के लिए लिखी गई दुनिया की पहली किताब। साल 1861 में मरीजों और दुखियों की सेवा करते करते फ्लोरेंस खुद किसी बीमारी की चपेट में आ गई। करीब 6 सालों तक वो चल नहीं सकी, लेकिन इस दौरान वो अस्पतालों के डिजाइन और मेडिकल इक्विपमेंट को और बेहतर करने की दिशा में काम करती रही। फ्लोरेंस की जिंदगी में प्रेम और शादी के भी कई मौके आए, लेकिन मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने जिंदगी का लक्ष्य बना लिया था मरीजों की सेवा करना, और इस काम में वो किसी भी तरह की बाधा नहीं चाहते थे। फ्लोरेंस न सिर्फ महिलाओं की आत्मनिर्भरता की बेजोड़ हिमायती रहीं, बल्कि उनके लिए करियर का नया रास्ता भी खोला। उन्होंने भारत में भी हंगर रिलीफ कार्यक्रम शुरू किए। फ्लोरेंस वो पहली महिला हैं जिन्हें साल 1907 में किंग्स एडवर्ड ने ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। 13 अगस्त साल 1910 को 90 साल की उम्र में फ्लोरेंस का निधन हो गया। आज दुनिया में कहीं भी नर्सिंग का कोर्स पूरा करने पर नर्सों को नाइटेंगल प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है, क्योंकि वो अपना काम उसी सेवा भाव से करें जिस तरह से फ्लोरेंस ने पूरी जिंदगी किया।
नर्सिंग में बेहतरीन काम करने के लिए फ्लोरेंस के नाम पर फ्लोरेंस नाइटेंगल मेडल दिया जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। हेल्थ केयर सिस्टम में आज साफ सफाई पर जो इतना जोर दिया जा रहा है, वो लेडी ऑफ द लैम्प की कोशिशों से ही मुमकिन हुआ। उनकी याद में हर साल 12 मई को वर्ल्ड नर्सिंग डे के रूप में मनाया जाता है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।